दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। जहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं करण अर्जुन, राजा और कुली नंबर वन, इन तीनों फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे इन तीनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लेकर इनकी परफॉर्मेंस तक, और साथ ही साथ हम जानेंगे इन तीनों फिल्मों के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ फिल्मों की ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले करण अर्जुन फिल्म के बारे में बात करते हैं। ये फिल्म 13 जनवरी 1995 में आई थी और इस फिल्म में सलमान खान, शाहरुख खान, राखी गुलजार, ममता कुलकर्णी और काजोल मुख्य किरदारों में नजर आए थे। हर किसी को पसंद आती है ये फिल्म। फिल्म के डायरेक्टर थे राकेश रोशन। बजट इस फिल्म का तकरीबन 6 करोड़ रुपये था। बात करें ओपनिंग डे की तो अपने पहले दिन इस फिल्म ने 80 लाख रुपए की कमाई की थी और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 26 करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन किया था इस फिल्म ने, और पूरे वर्ल्ड में 44 करोड़ रुपए कमाए थे। और ये एक एक्शन कॉमेडी फंटेसी फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं राजा फिल्म के बारे में। 2 जून 1995 में आई थी ये फिल्म और इस फिल्म में संजय कपूर, माधुरी दीक्षित, मुकेश खन्ना और परेश रावल मुख्य किरदारों में नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे इंद्र कुमार। बजट इस फिल्म का तकरीबन 5 करोड़ रुपए था। इस फिल्म की कहानी भी बढ़िया थी और इस फिल्म के गाने तो एक से बढ़कर एक सुपरहिट थे। बात करें ओपनिंग डे की तो 75 लाख रुपये की शानदार कमाई की थी इस फिल्म ने अपने पहले दिन। बात करें अगर बॉक्स ऑफिस इंडिया लाइफ टाइम की तो 21 करोड़ रुपये का टोटल कलेक्शन किया था इस फिल्म ने, और पूरे वर्ल्ड में 35 करोड़ रुपए कमाए थे। और ये एक एक्शन ड्रामा रोमांस से भरपूर फिल्म थी और फिल्म हुई थी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गोविंदा की कुली नंबर वन के बारे में। 30 जून 1995 में आई थी ये फिल्म और इस फिल्म में गोविंदा के साथ करिश्मा कपूर और कादर खान भी मुख्य किरदारों में थे। फिल्म के डायरेक्टर थे डेविड धवन। बजट इस फिल्म का तकरीबन 4 करोड़ रुपये था। बात करें ओपनिंग डे की तो 75 लाख रुपए की कमाई की थी इस फिल्म ने राजा के बराबर। राजा फिल्म ने भी अपने पहले दिन 75 लाख कमाए थे। बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम इस फिल्म ने 13 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और पूरे वर्ल्ड में 22 करोड़ रुपए कमाए थे। और ये कॉमेडी फिल्म थी। ये फिल्म भी दर्शकों को बेहद पसंद आती है। इस फिल्म के गाने भी एक से बढ़कर एक थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी सुपरहिट। तो दोस्तों इन तीनों फिल्मों में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्म पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।